नमस्कार। उत्तराखंड का नंबर वन डिबेट शो देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं में भारी अनियमितताओं का बोलबाला है। यही वजह है कि गोल्डन कार्ड में आई कमियों और खामियों को लेकर की गई कोशिशें नाकाफी नजर आती हैं, जिसके बाद एक बार फिर से मीटिंग का दौर हुआ। हालांकि ये मीटिंग गोल्डन कार्ड के गोल्डन दिनों को वापस ला सकेगी या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पहले रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य विभाग पर सचिवालय संघ लाल, पहाड़ में गोल्डन कार्ड बना जी का जंजाल, क्या जिम्मेदार देंगे गोल्डन कार्ड पर जवाब, सचिवालय संघ मुखर, महकमों में जारी तनाव। देश प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि कई मर्तबा ग्राउंड लेवल पर योजनाओं पर पलीता अधिकारियों की ओर से और उनकी लापरवाही के चलते लगा दिया जाता है। दरअसल उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से जानबूझकर बढ़ती जा रही लापरवाही के चलते महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यानी कि गोल्डन कार्ड सुविधा की बजाय सफेद हाथी साबित हो रहा है। कुछ समय पहले सचिवालय संघ ने गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने के उद्देश्य से बड़ी लड़ाई छेड़ी थी, जिसके बाद महकमे के साथ संघ का समझौता हुआ, लेकिन आज तक सचिवालय संघ की मांगों पर अमल नहीं हो सका है। और अब नए सिरे से सचिवालय संघ ने स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य प्राधिकरण के खिलाफ मुखर होने का मन बना लिया है। पे किस प्रकार से उनकी मनमानी चल रही है, किस प्रकार से उनका एक हावीपन जो हॉस्पिटल्स पे प्राधिकरण पे है वो हमने बताया, और हमने ये बताया कि किस तरह से हमारे लोगों को इस चिकित्सीय सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इन सब बातों को लेकर अभी हमने एक मुखर होकर अपना एक आक्रोश व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सचिव स्वास्थ्य ने इसको गंभीरता से लिया है और उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करते हुए और तमाम चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करने के लिए प्राधिकरण को कहा गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है, MOU जो किया गया है, उसके आधार पर इसको अमली जमा बनाएं और कर्मचारियों की सुख सुविधाओं का, चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ उनको मिले, ये सुनिश्चित कराया जाए। इसको लेकर अभी गोल्डन कार्ड जो एक सफ़ेद हाथी बना हुआ है, उस सफ़ेद हाथी को कैसे हम पटरी पर लाएं। जैसे ही मामला सामने आया तो उसके बाद सियासी फिजा गर्म हो गई। जहां BJP इस पर अपना बचाव कर रही है तो वहीं कांग्रेस की ओर से सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गोल्डन कार्ड की योजना है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस की सुविधा दी जाती है, और साथ ही अब एक नया निर्णय ये हुआ है कि जो उनकी जाँच है उसे भी और साथ ही दवाइयों को भी इस योजना के अंतर्गत ले लिया जाए। इसके बारे में शासनादेश बहुत शीघ्र जारी हो जाएगा। जहाँ तक कर्मचारियों की कुछ मांगों का सवाल है तो कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन राज्य सरकार और मुख्यतः मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इन्हें लेकर हमेशा सकारात्मक रहे हैं, और जो भी लंबित मामले होंगे उनका निराकरण भी अवश्य और जल्दी हो जाएगा। गोल्डन कार्ड योजना एक सफ़ेद हाथी साबित हुई है। जिन कर्मचारियों के लिए, जिन लाभार्थियों के लिए योजना लागू करी उनको तो इसका लाभ मिल नहीं रहा है। योजना लागू ही नहीं हो पाई, और यदि योजना लागू नहीं होनी थी तो काहे को क्यों मान सरकार ने जो गोल्डन कार्ड योजना आरंभ करी। हमारे कर्मचारी जो हैं वो सरकार का अंग है, समाज का महत्वपूर्ण अंग है, सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। यदि उनके लिए योजना लागू की गई और उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तो ये तो सरकार की नाकामी है, सरकार की असफलता है, और सरकार को इस सोते हुए हाथी को, इस सफ़ेद हाथी को खड़ा करना चाहिए। जिन लाभार्थियों के लिए गोल्डन कार्ड योजना लागू की गई उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। हमारा सरकार से आग्रह है कि जो योजना आपने लागू करी उसको कृपया करके क्रियान्वित करिए, उन कर्मचारियों को, उन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए जिनके लिए योजना लागू की गई। फिलहाल मामले में लापरवाही उजागर होने के बाद अब ये जल्द माना जा रहा है कि योजना का लाभ धरातल पर वापस पहुंचाया जा सकेगा और सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद में तेजी लाई जा सकेगी। हालांकि ये कब हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो कई मरतबा दरअसल ऐसी स्थिति बन जाती है कि योजनाओं को बनाया जाता है वो कागज तक ही सिमट कर रह जाती हैं। कुछ इस तरीके की स्थिति उत्तराखंड में इस वक्त देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। नवीन ठाकुर जी प्रवक्ता BJP से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। शिशपाल बिष्ट जी प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत सर आपका। दीपक जोशी सचिवालय संघ से अध्यक्ष हमारे साथ हैं, दीपक जोशी जी आपका स्वागत है। रविंद्र आनंद जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ हैं, रविंद जी आपका स्वागत है। दीपक जोशी जी आपसी से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि कई मरतबा इसको लेकर मीटिंग हुई और एक बार फिर से मीटिंग हुई है, फिर 10 दिन का समय भी दिया गया है। क्या लगता है कोई सकारात्मक पहल हो सकती है जिसमें बदलाव करने की दिशा में आगे आपने जो अपील की थी?
वो पूरी होती नजर आएगी, क्या इसका फायदा कर्मचारियों तक पहुंचेगा? गोल्डन कार्ड की इस योजना को जो जो कर्मचारियों के अंशदान से संचालित है जी। और सरकार का एक बहुत बड़ा जो बजट प्रोविजन था उसको कहीं ना कहीं कर्मचारियों के इस प्रतिमाह की कटौती के आधार पर कहीं ना कहीं सरकार की बचत हुई है और कर्मचारी पेंशनर्स अपने पर अंशदान के आधार पर इस योजना को अपने लिए लागू कराए हुए हैं। और सरकार का एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया है कि राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना, राज्य स्वास्थ्य योजना इस समय चल रही है। लेकिन जो महसूस किया गया है पर मंथ कटौती के बाद भी इस राज्य का कर्मचारी पेंशनर्स प्रभावित है अपनी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभान्वित होने के कारण, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल के जो इम्प्लॉयमेंट के कारण, उनकी जो मोनोपोली चल रही है उसके कारण, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो वो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पे है। हाँ। जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण केवल और केवल भुगतान तक सीमित है और भुगतान की इतिश्री करने के बाद उनके पास कोई भी मैकेनिज्म इस तरह का नहीं है जिस पर प्राइवेट हॉस्पिटल जो इम्प्लॉयमेंट हॉस्पिटल है उन पर कोई नकेल कसी जाए, एक बात जी। दूसरी बात, राज्य सरकार के इस योजना को हम लोगों ने बड़ी मेहनत से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की दरों के आधार पर इसकी दरें निर्धारित कराई और इलाज के लिए हमारे कर्मचारियों को, प्रदेश के पेंशनर्स को लाभ मिले, इसको लेकर हमने इस योजना को सीजीएचएस की दरों पर लागू करवाया। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है जिन हॉस्पिटलों में सीजीएचएस की प्रणाली के लिए एमओयू हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि व्यक्ति विशेष बीमारी के लिए उन हॉस्पिटलों में इलाज होता है और उन हॉस्पिटलों में हमारे मरीज, हमारे आश्रित, हमारे परिवार के लोग, हमारे सचिवालय, हमारे कर्मचारी पेंशनर्स दर दर भटकते हैं अपने दूसरे डायग्नोस के लिए, दूसरे इलाज के लिए। हाँ। जो हमारे लिए बड़ी दुखद स्थिति है और इन केसेस में कई बार मैं अब थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ दीपक जोशी जी कि इन कमियों और खामियों को लेकर पहले भी अवगत करवाया गया, अब आपको क्या लगता है कि कुछ आश्वस्त आप हैं कि जो कमियां और खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जा सकेगा? देखिए, वर्तमान सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर के बाद इस योजना को धरातल पर सही करने का शासनादेश चेंज कराया गया और 25/11/2021 के शासनादेश के बाद एक मीटिंग अभी 10 नवंबर 2022 में की गई। हाँ। 7-8 महीने के बाद भी प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर इतनी हिला हवाली है कि जो प्रस्ताव मांगे गए थे वो प्रस्तावों तक नहीं पहुंचे हैं। अब लगता है स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद जो गंभीरता उन्होंने दिखाई है, ऐसा लगता है कि अब कर्मचारियों के अंशदान वाली जो योजना है, इस योजना में जो खामियां हैं उस खामियों को धरातल पर सचिव स्वास्थ्य के हस्तक्षेप के बाद पूरा किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आप आश्वस्त हैं कि अब कम से कम, क्योंकि 2021 में शुरुआत हुई, 22 में बढ़िया कमी और उसके बाद अब 23 में भी कमियां हैं, खामियां हैं जिसको लेकर परेशान कर्मचारी हैं, लेकिन हो सकता है कि अब स्थितियां जो हैं वो आगे बेहतर दिशा में बढ़े। ठीक है, नवीन ठाकुर जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं। नवीन जी, लेकिन कमियां तो रहीं, खामियां तो रहीं, और हैरानी इस बात को लेकर है कि जिसको तैयार किया गया, जिनके लिए तैयार किया गया, उन तक ये लाभ नहीं पहुंच रहा है और आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। दीपक जी ने भी बताया, आप भी बता रहे हैं, अरे 4-5 दिन पहले ही, मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है लेकिन मैं देख रहा था, सुन रहा था, स्वास्थ्य सचिव के साथ कर्मचारी संघ की बैठक हो चुकी है। हाँ। और जो एक दो कमियां इन लोगों ने गिनाई है उन विसंगतियों को भी दूर करने के लिए स्वास्थ्य सचिव ने आश्वासन दिया है, पूर्व में जो कमियां गिनाई गई थी उनको ठीक कर दिया गया है। और इस योजना का लाभ जो है, जिसके लिए ये योजना लाई गई, उसका 100% लाभ हमारे कर्मचारियों को मिले ऐसा हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है। लेकिन अगर कहीं किसी स्तर पर, ऐसा दीपक जी भी बता रहे थे कि स्वास्थ्य महकमा या एक दो जो डिपार्टमेंट हैं, हाँ। उनकी हीला हवाली या उनके स्तर पर कहीं कमी होगी तो उसको सिर्फ दुरुस्त किया जाएगा। और ऐसे कर्मचारियों को जो इसमें देरी कर रहे हैं, इनको लागू करने में, इन कमियों को दूर करने में, इन खामियों को दूर करने में, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। अगर 2-3 बार बोलने के बावजूद भी अगर ये दुरुस्त नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी तो गंभीर है जब वो प्रत्येक, नहीं तो ये हीला हवाली शब्द अपने आप में ये उजागर करता है कि बार बार गलतियां हो रही हैं, लापरवाहियां हो रही हैं, उस दिशा में फिर एक्शन में हीला हवाली क्यों है? हीला हवाली काम को लेकर है तो एक्शन तुरंत होना चाहिए। नहीं, अभी मैंने कहा कि 4-5 दिन पहले ही बैठक हुई है। हाँ। और अब भी अगर ये हीला हवाली हुई, जो खामियां बताई गई जी और जिनको दूर करने को लेकर सहमति बनी, इन खामियों को किन विभागों ने दूर करना है, किस स्तर के अधिकारियों ने दूर करना है, कहां से ये ठीक होनी,
सफेद हाथी आप मानते हैं इस योजना को? नहीं नहीं नहीं, देखिए कोई सफेद हाथी नहीं है, हजारों हजार लोग जो इसका लाभ ले रहे हैं, हमारे कर्मचारी लाभ ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सफेद हाथी है। आप कुछ विसंगतियां हैं, हमने माना उस चीज को। सचिवालय संघ के अध्यक्ष खुद ही कह रहे हैं, आपने भी उनको सुनाई दीपक जोशी जी को, ठीक है। मैं शिषपाल बिस्ट जी के पास जाता हूँ, एक बार मैं लौट रहा हूँ नवीन जी। शिषपाल बिस्ट जी, क्या इसको लेकर राजनीति आपकी ओर से, क्योंकि जिक्र होना शुरू हो जाता है, अभी मैं सवाल पूछूंगा आपसे फिर वो जवाब देने के लिए जाऊंगा नवीन जी के पास, तो कह देंगे भाई ये राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राजनीति से इतर अगर इसको देखें कि स्वास्थ्य एक बड़ा मसला है, न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, लेकिन उसमें भी अगर हिलावाली हो, लापरवाही हो, तो सवाल तो उठेंगे निश्चित तौर पर। हेमंत जी, बहुत ही चिंता की बात है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं देने की गारंटी प्रदेश सरकार करती है, आप देखिए वो उत्तराखंड में उनकी दुर्दशा, चाहे वो आम जन के लिए हो और कर्मचारियों के लिए, अगर इस प्रकार की भागदौड़ हो रही है, कर्मचारियों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है जिनको सरकार ने उनके लिए लागू किया है, क्योंकि गोल्डन कार्ड की जहां तक मुझे जानकारी है, चार दिन पहले की बैठक तक सीमित मामला नहीं है। हाँ। छह साल से मैं देख रहा हूं कि सभी विभागों के कर्मचारी लगातार गोल्डन कार्ड की खामियों को सरकार के सामने रख रहे हैं। कर्मचारी अपना अंशदान देने के बावजूद भी जो है दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर है। और जो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है प्राइवेट, उनकी तो मनमानी है, वो CGHS का जो रेट तय है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे बाहर जाकर के जो है उनकी बिलिंग होती है, उनकी मनमानी को पर रोक लगाने में सरकार नाकामयाब है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है जो इंपैनल किए गए हैं, उनकी अगर जांच हो जाए तो मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। तमाम ना तो वहां उपकरण है जो होनी चाहिए, जो सुविधा होनी चाहिए, जो विशेषज्ञ चिकित्सक होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन जो है कर्मचारी मजबूर है क्योंकि उसके हर महीने अंशदान गोल्डन कार्ड में कट रहा है, तो और वो मजबूरी में फिर जाएगा कहां बताइए। और उसको अगर उसका लाभ नहीं मिलेगा, उनके परिजनों को लाभ नहीं मिलेगा, तो ये योजना सफेद हाथी छोड़िए किसी काम भी नहीं है। इसमें फेल्योर तो आप किसका मानते हैं, कि जो लापरवाही अधिकारियों के लेवल पर हो रही है, प्राधिकरण का जिक्र वो कर रहे हैं, महकमा जो है वो सुनने को तैयार नहीं होता, तो इसमें ओवरऑल जी कुल मिलाकर देखिए जिम्मेदारी तो सरकार की है, अधिकारी भी सरकार के इशारे पर ही काम करते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो चाहे कोई हो। आप देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत कहाँ है, आप देखिए तो लगातार प्रवासी मंत्री बने हुए हैं, उत्तराखंड में तो कभी कभी नजर आते हैं, उनको कर्नाटक की फिक्र है, उनको महाराष्ट्र की फिक्र है, उनको उत्तर प्रदेश की फिक्र है, लेकिन अपने राज्य की नहीं है। जहाँ आए दिन आप देखिए कि जच्चा बच्चा की मौतें राज्य के किसी न किसी कोने में होती है। अपने ये जो है परिवहन मंत्री को नहीं बचा पाए, उनको अगर एयर एम्बुलेंस समय से उपलब्ध होती तो आज हमारे बीच में होते। तो ये है राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल। राजधानी में देखिए बाथरूम में जो है गर्भवती प्रसव के लिए मजबूर है, और कर्मचारी सचिवालय का कर्मचारी जिस पर राज्य के विकास की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं दीपक जी से इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ, फिर मैं रवि जी के पास आ रहा हूँ जी। ठीक है दीपक जी, क्या ये जो स्थिति बनी हुई है पिछले कई सालों से ऐसी स्थिति है, इसको लेकर कोई रास्ता निकालने की मंशा नहीं है ऐसा लगता है आपको क्या? देखिए दो तीन बार इस पर मीटिंग हुई और ये कोशिश की गई। जी जी हेलो जी, सुन रहा हूँ सर, कहिए। देखिए इस पर दो तीन बार मीटिंग हुई और कोशिश की गई कि जी किसी तरह से इसका रास्ता निकाला जाए। हाँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विगत डेढ़ वर्ष से दो वर्ष से हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अभी पूर्ण रूप से इस लड़ाई को हम सफल नहीं बना पाए हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से CGHS में रेट्स हैं, उस रेट्स के आधार पर हमारे कर्मचारियों को, पेंशनर्स को इसका लाभ मिले, और वो लाभ उनके जीवन मरण से संबंधित है। तो कम से कम इसमें हिलावाली जो स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर पर की गई जा रही है, प्राइवेट हॉस्पिटलों का इंपैनलमेंट जो किया गया है, यानी कि काफी समय से ये लड़ाई जो है आपकी ओर से लड़ी जा रही है, आप जो करना चाह रहे हैं, चार दिन पहले की मीटिंग किया जा रहा है। ठीक, कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड में साइन बोर्ड नहीं है, कर्मचारी जाता है हॉस्पिटल में लेकिन उसके गोल्डन कार्ड। मैं लौट रहा हूं दीपक जी, नवीन जी क्या जवाब है आपके पास? वो कह रहे हैं कि चार दिन की बात नहीं है, ये तो पिछले कई समय से स्थिति ऐसी बनी हुई है, और कई मर्तबा वो गए भी, कई मर्तबा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई भी, लेकिन फिर भी नहीं। दीपक जी खुद ही कह रहे हैं चार दिन पहले, चार दिन पहले जो दो तीन विसंगतियां रहेंगे उन पर जो है सहमति बन चुकी है। दीपक जी बताएं कि अभी क्या समस्या आ रही है, या उन पर सहमति बनी की भी नहीं। स्वास्थ्य सचिव ने उनको आश्वासन दिया है कि नहीं रही, जो ये दो तीन विसंगतियां रहेंगी उनको जो दुरुस्त कर दिया जाएगा। ये तो देखिए दूसरा, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, इतना झूठ कहां से पकड़ के लाते हैं। ये जिक्र कर रहे हैं स्वास्थ्य, जो हमारे परिवहन मंत्री उनको एयर एम्बुलेंस मिल जाती टाइम पर। भैया मैं वहां पर था, उनका हृदयघात से जो है घर पर ही देहांत हो गया, हॉस्पिटल
दिल्ली जब पहुंचे तो ध्यान हो चुका था, एयर एम्बुलेंस की तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन इनको कोई ना कोई झूठ बोला है, झूठ का तड़का लगाना है ना। आप इतने खिला रहे हैं, ये इतने बौखला जाते हैं, अपने समय में इन्होंने क्या क्या स्वास्थ्य विभाग के लिए गिना दे जरा, इनके इनके कार्यकाल में 1000 डॉक्टर थे कुल, अभी अभी इतना खिला रहे हैं ऋषि जी। मैं आपकी समझ रहा हूँ, आपकी नस दब गई, आपका झूठ उजागर होने लगा, आपकी नस दब गई तो चीखने चिल्लाने लगता है। थोड़ा तो धैर्य रखिए, सब्जी मंडी क्यों बनाते हैं आप? झूठ बोले थे मैं बीच में बोला क्या? आप झूठ बोले थे मैं बीच में बोला क्या? ओके सर, चलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं तो मैं गोल्डन कार्ड की बात करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ गोल्डन कार्ड की बात करना चाहता हूँ, मैं स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं जाऊंगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर जाऊंगा तो फिर पुरानी सरकारों को लेकर क्या काम हुआ और वर्तमान की सरकार कितना काम कर रही है उस कंपैरिजन में हम चले जाएंगे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। ठीक है, रविंद्र जी को जोड़ लेता हूँ। रविंद्र जी, क्या लगता है सर, हिला वाली है और ऐसी स्थिति जिसको लेकर ट्रंप कार्ड बताया जाए कि ये जो सेवा लेकर आ रहे हैं उससे जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ा फायदा होने जा रहा है, लेकिन वो कर्मचारी बेचारे कह रहे हैं भैया पैसा तो कट रहा है, फायदा हो नहीं रहा कुछ। जी रविंद्र जी, रविंद्र जी, मुझे लगता है उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, पर फिर कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज हम तक पहुंचे। रविंद्र जी, आवाज आपकी हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। नवीन जी, अपनी बात अपनी पूरी कर दें, उसके बाद दीपक जी आपके पास। मैं गिना रहा था, जब ये परिवहन मंत्री की बात कर रहे थे, जब ये इधर उधर की बात कर रहे थे, तब आपने नहीं टोका, तब आपने नहीं कहा कि गोल्डन कार्ड पे बात होनी चाहिए। जब ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, चार चीजें टोकते हैं। जो इन्होंने अभी देखिए चीखने चिल्लाने लगे ना, तो इनको बोले थोड़ा ध्यान रखें, इनकी बौखलाहट साबित करती है कि इस नंबर के झूठ हैं, इनकी बौखलाहट साबित करती है कि इन्होंने अपने टाइम में कुछ नहीं किया, इनकी बौखलाहट साबित करती है कि हमारी सरकार काम कर रही है और जो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, जो हम इनकी खामियां गिना रहे हैं, उनको रद्दा पहुंचाना चाह रहे हैं, सुनेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, ये सभी प्रवक्ताओं का हाल है, ये केवल चीजें चलाना जानते हैं, न इनके पास बताने के लिए कुछ होता, न इनके पास आंकड़े होते, न इनके पास तथ्य होते, केवल देखना किस प्रकार सब्जी मंडी बना रहे हैं। शेषपाल जी, आप ये बौखलाहट दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए चीखने से कुछ नहीं होगा, आपके चीखने से लाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, सुनने का जम नहीं है आपके अंदर, ये जनता सुन देती है आपको, जो आप ये सब्जी मंडी बनाते हैं ना निवेश की, इसलिए इस प्रदेश की जनता आपको नकारती है, इस प्रदेश की जनता ने आपको इसलिए नकारा, पांच ने भी आपको उन्हीं पे समेत के रखा ही नहीं रखा, इन्हीं कारणों से समेटा कि आप केवल टीवी चैनल पर बैठे झूठ बोलते हैं और दूसरे की बात सुनते नहीं है। ठीक है नवीन जी, ओके नवीन जी, ओके शिषपाल जी, मैं आ रहा हूँ, प्लीज शिषपाल जी, मैं लौट आऊँ, प्लीज शिषपाल जी, ठीक है शिषपाल जी, मैंने आपकी बात को भी सुन लिया, नवीन जी ने जो बात कही वो भी मैं समझ गया, लेकिन जो मसला है खुद वो बैठे हैं उनसे पूछ लेते हैं ना, समस्या कहाँ है। दीपक जी बताइए, नवीन जी कह रहे हैं चार पांच दिन पहले मीटिंग हुई और कुछ बिंदुओं विसंगतियां थी, वो उसको दूर करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है दीपक जी? क्लियर करिए, हम लोग आशावादी लोग हैं, ये प्रदेश कर्मचारियों के आंदोलन से बना प्रदेश है, कर्मचारियों ने अपनी शहादत इसमें दी है, मेरा अनुरोध है दोनों हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के हमारे जो भी पदाधिकारी नेता हैं, गण हैं जी, माननीय नेतागण, हमारे कर्मचारियों के हित को साधने के लिए कोशिश होनी चाहिए, ना कि उनके मामलों को उलझाना। ये कर्मचारियों का एक बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें हमारे कई कर्मचारियों ने अपनी जाने दे दी, कोविड काल में गोल्डन कार्ड के अभाव में कई लाशें हमारी चली गई, हमारे लोग चले गए इस अभाव में कि उनके पास पैसे की गुंजाइश नहीं थी और वो गोल्डन कार्ड बना के अपने गोल्डन कार्ड को अपने लिए यूज नहीं कर पाए। मेरा अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और सभी से, हमारे विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि हम स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी दसों बार चले गए और उनके जेहन में सारी बातें हैं, तो किस कारण से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग, हमारा प्रश्न है, क्या स्वास्थ्य विभाग के पास वो अधिकार नहीं है कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जिसके साथ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एमओयू किया है, उन पर कोई ब्लैकलिस्ट करने का, उनपे कोई फाइन करने का, उनपे सेवाएं देने का कोई ऐसा प्रोविजन है? फटाफट नवीन जी इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद रविंद्र जी के पास आ रहा हूं, उनका कॉन्टेक्ट मेरे से हो गया लगता है। ठीक है, बहुत सारे अस्पतालों पर हमने कार्रवाई भी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी अकस्मात जो निरीक्षण पे भी जाते हैं, अभी दून अस्पताल में भी थी, पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं जो अस्पतालों में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, कांग्रेस के शासनकाल में तो ऐसा हुआ नहीं, जो भी खाने जो भी जिस प्रकार संज्ञान लिया जाएगा वो प्राइवेट नहीं, ये बीच में जाने लगते हैं, इनकी बहुत मुझे
समझ में नहीं आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं सर, लेकिन उसका जवाब नवीन जी यही समस्या है। जब आपसे फैक्ट के लिए बात की जाए, उस फैक्ट का जवाब नहीं देते, ऐसे अच्छा नहीं लगता डिबेट में। ठीक है नवीन जी, लौट रहा हूँ। रविंद जी, मैं रविंद जी को जोड़ लूं क्योंकि बहुत देर तक वो वेट कर रहे हैं। रविंद जी, क्या क्या लगता है आपको सर, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर तो बड़े बड़े जो पॉलिसीज हैं वो दिल्ली के अंदर हमने देखी, क्या प्रदेश के अंदर उत्तराखंड का अगर हम जिक्र करें, वहां की जो पॉलिसी बनाई गई, योजना बनाई गई, वो धरातल पर इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही है? सफेद हाथी बना हुआ, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, सफेद हाथी बना हुआ है। और जिस प्रकार से ये जो योजना गोल्डन कार्ड वाली थी, उसका लाभ कर्मचारी गण ले ही नहीं पाए, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को एडमिट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इसमें हीला हवाली है। साथ ही ये किस आधार पर ये कह रहे हैं और किस अधिकार से ये कह रहे हैं कि जो लोग इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी? क्या ये कार्रवाई करने के लिए अधिकारी हैं उसके? मैं इनको कई डिबेट में देख चुका हूं, जब भी कोई बात आती है तो ये कहते हैं कि कार्रवाई होगी। अरे भाई, तुम कौन होते हो कार्रवाई करने वाले? अरे भैया, संगठन सरकार सरकार थोड़ी हो यार। संगठन की बैठक होती है, प्लीज जी व्यक्तिगत में जाइए। आपकी सर, आपकी सर पार्टी नेशनल पार्टी हो गई सर, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं रविंद जी? चलिए ठीक है, पूरा जीवन ठीक है। मुझे लगता है ये डिरेल हो जाएगा, ऐसे अच्छा ही लगता मेरे को। नवीन जी, बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी के सर प्रवक्ता है सर, बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है सर, ऐसा ऐसे ऐसा ऐसा शब्द का इस्तेमाल अभी ना करें। और मैं रविंद जी आप ही से कह रहा हूँ, आप नेशनल पार्टी अभी अभी बने सर, नेशनल पार्टी अभी अभी बने सर, आप प्रवक्ता का गुण थोड़ा समझ ले, ठीक रहेगा, आपके लिए भी ठीक रहेगा सर। रविंद जी ओके, रविंद जी व्यक्तिगत ना जाएं प्लीज, मैं रोकूंगा, आप व्यक्तिगत ना जाएं, ये गलत है, ऐसे ना करें। ठीक है नवीन जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ रविंद जी। ओके नवीन जी, मेरा सवाल आपसे है, खुद की पार्टी ठीक सर, ठीक है सर, इनकी खुद की सर, मैंने बोल दिया उनको, लेकिन मेरा सवाल है नवीन जी कि 10 बार स्वास्थ्य मंत्री से मिलते हैं ये लोग, उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होता, वो कह रहे हैं दीपक जोशी जी। नहीं, मैं उस बात पे आ रहा था, उसका जवाब दिया था, लेकिन आप देखिए ना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता से आम आदमी प्रवक्ता, ये चोर चोर मुसेरे भाई, मिलते जो है झूठ पे झूठ बोल सकते हैं, और इनकी भाषा का आप देख लीजिए, इनकी भाषा देखिए आम आदमी पार्टी की, किस प्रकार गुंडे की भाषा बोलते हैं, किस प्रकार के इनके संस्कार, उनकी पार्टी किस प्रकार की और दर्शाता है, इसीलिए तो इनके आधे ज्यादा मंत्री जेल में है, आधे ज्यादा विधायक दिल्ली में जेल में है, ये फर्जी लोगों की पार्टी, झूठे लोगों की पार्टी, केवल केवल इसी प्रकार के संस्कार दिखा सकती है, इसी ज्यादा कुछ नहीं आता। प्रदीप आनंद को जो है इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है ठीक है सर, ठीक है रविंद जी, रविंद जी मैं ठीक है, मैं एक कमेंट लास्ट ले लूं उनसे, नवीन जी से जो बात हुई है, जिस पर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे बीच में आप लोग इंटरप्ट करते हैं और इस तरीके का जिक्र करते हैं तो ठीक नहीं लगता। बड़ी बड़ी पार्टी को प्रवक्ता बैठे हैं सर, अच्छा लगता है क्या? क्या मैसेज जाता होगा, देखते होंगे तो आला कमान आप। ओके नवीन जी ठीक है सर, प्लीज मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज नवीन जी मैं ही पूछ रहा हूँ, जो दीपक जोशी जी की पीड़ा थी, जो वो कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के पास 10 बार गए, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, नवीन जी ओके सर प्लीज, सड़क से लेकर सदन के अंदर हंगामे आप करते रहते हैं, प्लीज इस डिबेट में ना करें, अच्छा ही लगता है, जनता देख रही है सर आपको, उत्तराखंड की जनता देख रही है, ठीक नहीं लगता। मेरा सवाल नवीन जी आपसे आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ, फिर पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या जो इनकी मांगे हैं, क्या इनकी मांगे हैं उनको लेकर सकारात्मक दिशा में कदम उठाया जाएगा, सरकार गंभीर होकर काम करेगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री 10 बार मिल चुके हैं, सुन नहीं रहे। स्वास्थ्य मंत्री से जितनी बार भी मिले होंगे, 4 दिन पहले आधिकारिक रूप से स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक हुई है, सब मुद्दों पे जो है सहमति हो गई है,
उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो हमने कहा कि सब कार्रवाई करेंगे। भाजपा की सरकार कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, आम आदमी की सरकार थोड़ी है। आधे विधायक मंत्री ओके सर, दिल्ली में सारे मंत्री ठीक सर, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जनता तक और पेंशनर धारियों तक कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी जिसकी बनती है उसकी बननी चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा यहाँ पर। कुल मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ दरअसल देने का प्रयास सरकार की ओर से है, लेकिन अधिकारियों की लीपापोती के चलते, हिलावाली के चलते इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं कि पेंशनर्स और कर्मचारी जो हैं वो नाराज हो जाते हैं। कई दौर की मीटिंग्स हो गई लेकिन उसके बावजूद भी कोई लाभ मिला नहीं। हालांकि आशा है कि जल्द ही सरकार इस पर बड़ा कदम उठाएगी। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।